गेहूं के निर्यात की बात की जाए तो रूस में अक्टूबर तक रूस का गेहूं निर्यात 12% कम होकर 12.8 मिलियन टन पर पहुंच गया है। तुर्की रूस से गेहूं का सबसे बड़ा आयातक था, जिसने विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक 2.9 मिलियन टन गेहूं खरीदा। मिस्र ने रूस से 1.5 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जबकि सऊदी अरब ने 700,000 मिलियन टन गेहूं का आयात किया। विपणन वर्ष 2021-22 में रूस ने गेहूं निर्यात के अपने अनुमान 38.6 मिलियन टन को अपने पिछले अनुमान से घटाकर 36.65 मिलियन टन कर दिया था। अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार रूस ने विपणन वर्ष 2020-21 में 38.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था। व्यापारियों ने कहा कि गेहूं निर्यात पर बढ़ते करों के कारण पिछले कुछ हफ्तों में रूसी गेहूं का निर्यात की गति धीमी रही है। अगस्त में गेहूं की कीमतों में तेजी से वृद्धि में गेहूं निर्यात में वृद्धि देखी गई है, जिसका निर्यात पर भार पड़ा। फिलहाल गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पिछले दो हफ्तों में रूस के गेहूं की कीमत 2.4% से अधिक की वृद्धि हुई है। संभवतः देश में आपूर्ति में कमी और फसल पर बढ़ते निर्यात कर के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो अक्टूबर तक कृषि मंत्रालय के अनुसार रूस ने 75.8 मिलियन टन गेहूं की कटाई की, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 86.7 मिलियन टन की कटाई के लगभग 13% कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।